सभी को नमस्कार। एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक बैच प्रोडक्शन। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनना है और समझना है। तो चलते टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बैच प्रोडक्शन हमने पिछले लेक्चर में समझाया था। हमने क्या समझाया था कि बैच प्रोडक्शन का मतलब होता है जब किसी कंपनी में इस तरह प्रोडक्शन हो रहा हो कि डिमांड के अनुसार, क्वांटिटी के अनुसार रुक रुक के प्रोडक्शन होता हो और एक जैसे प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा हो, लेकिन रुक रुक के क्वांटिटी और डिमांड के अनुसार, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन बैच प्रोडक्शन है वह हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं, या फिर क्वांटिटी बढ़ने पर उसमें हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, ये हम लोग इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी से चेक करते हैं कि हमारे लिए जो हम बैच प्रोडक्शन कर रहे हैं वह कितना फायदेमंद है, उसको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या किस टाइप की कॉस्ट उसमें बढ़ती है, कौन सी कॉस्ट कम होती है। तो हम लोग ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में सबसे पहले याद रखें कि जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें एक जैसी मशीनों का उपयोग होता है, तो सेटअप जो कॉस्ट होगी वह एक ही बार लगेगी। भाई प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया कि हम 1000 प्रोडक्ट बनाते हैं और एक जैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसमें जो हमने मशीन यूज किए हैं तो उन्हीं मशीनों पे हम एक की जगह 2000 भी बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1000 की जगह यदि 2000 प्रोडक्ट बनाना हमें, मतलब क्वांटिटी प्रोडक्ट की बढ़ रही है, तो हमें मशीनें दोबारा से नहीं लगाना है, ना ही टूल्स का हमें बार बार अलग से परचेज करना है, ना ही उनको चेंज करना है, ना ही हमें लेबर में परिवर्तन करना है, ना ही उनको कोई ट्रेनिंग देना है। भाई क्वांटिटी बढ़ी है, प्रोडक्ट नहीं बदला है, तो उम्मीद है पहला क्या हुआ, सेटअप कॉस्ट बोलते हैं। सेटअप कॉस्ट का मतलब इंस्टॉल करना प्लांट को, तो जो सेटअप कॉस्ट है वह हमेशा कम ही होगी। प्रोडक्ट बढ़ने पर सेटअप कॉस्ट कम होती है, याद रखें प्रोडक्ट बढ़ने पर सेटअप कॉस्ट कम होती है। लेकिन जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग का मतलब होता है जो हम स्टोर कर रहे हैं, जो बाहर से हमारे रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, ये सब कॉस्ट क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसको रखने का देखने का कॉस्ट है, ये सब तो बढ़ेंगे क्योंकि भाई प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए इसका एक ग्राफ बनता है, यहाँ पर बना हुआ है, जिसके में क्या कॉस्ट पर पीस हम निकालते हैं, एक निकलता हमारा बैच साइज। बैच साइज का मतलब प्रोडक्ट हमारे बढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लेकिन एक जैसे बैच में ही आ रहे हैं, इसलिए बैच लिखा हुआ है, मतलब डिमांड और क्वांटिटी के अनुसार ही आ रहे हैं। तो इसका जब ग्राफ देखते हैं तो पर पीस जो कॉस्ट है, यहां से देख रहा है यह चल रहा है, इसका मतलब पर पीस जो कॉस्ट है वह कैसी हो रही, कम हो रही है। और जी इधर को जो मैं एरो चला रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये बैच बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट कैसी हो रही, डिक्रीज हो रही है, ये दिखा रही लाइन। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ है, जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है उसके अनुसार हम देखें तो जो हमारे बैच प्रोडक्शन है उसके अंदर क्वांटिटी बढ़ने पर हमारा क्या होती है, जो हमारी सेटअप कॉस्ट है, जो लिखे ना सेटअप कॉस्ट, एक कम होती जाती है, क्योंकि इसमें बार बार मशीनों को चेंज नहीं करना पड़ता, ना टूल्स को चेंज करना पड़ता, ना सेटअप चेंज करना पड़ता। लेकिन जो कैरिंग कॉस्ट यहां पर लिखा, कैरिंग कॉस्ट देखें तो लगभग एवरेज चलती, मतलब धीमे धीमे लेकिन बढ़ती जाती है। लाइन दिख रही पूरी, ये लाइन दिख रही क्या, कैरिंग कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देता। फिर हमारा होता ऑप्टिमल बैच, मतलब जो बेस्ट है, और मिनिमम टोटल कॉस्ट कितनी है, तो वह यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये यहाँ पर एक एरो के द्वारा दिखाया गया, स्लोप जीरो है और टोटल कॉस्ट दिखाया गया। तो इसमें हमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, जैसा ग्राफ बना हुआ है वैसे ही आप बना के आए, कुछ नहीं करना, जैसा बना हुआ है वैसे ही बना के आए। लेकिन इसको जो मेथड है, इसकी दो टाइप्स के मेथड है, वैसे यहां पर समझा चुके हम लोग, एक तो हो गई सेटअप कॉस्ट, ये दिख रहा है, दूसरा होती है हमारी कैरिंग कॉस्ट। इन दोनों के आधार पर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला मैं बताता हूं कौन सा होता है।
सबसे पहले मैं दो टाइप्स की कॉस्ट पहले ही बता चुका हूँ, सेटअप कॉस्ट और इन्वेंटरी कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट भी बता चुका हूँ, इन्वेंटरी कॉस्ट भी बता चुका हूँ। सेटअप का मतलब जो हमारी मशीन से टूल्स हैं सब सेटअप होता है, पूरा प्लांट बनता है। इन्वेंटरी कॉस्ट मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको स्टोर करना, बाहर से रॉ मटेरियल आना, उन पर जो भी खर्चे होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट करना हो क्योंकि भाई बाहर से मंगाएंगे कोई सामान, इन सब की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारी पूरी कॉस्टिंग निकालते हैं उससे हम ये निकालते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, बेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, वह इकोनॉमिकल है या नहीं, मतलब फायदेमंद है या नहीं। तो फायदेमंद निकालने के लिए हमें सबसे पहले कौन कौन सी कॉस्ट कंसिडर करते हैं ये ध्यान से सुने। सबसे पहले क्या होता है, जो इंस्टॉल करते हैं हम टूल और मशीन है, इसकी कॉस्ट और टाइम चेक करते हैं। क्या करते हैं, जो टूल और मशीन है इसको इंस्टॉल करेंगे प्लांट में तो उसका कितने टाइम में इंस्टॉल कर पा रहे हैं, उसकी क्या कॉस्टिंग आ रही, पहली बात। दूसरी होती है हमारी, जो हमारे पार्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे, मान लो कोई एक पार्ट बन रहा है तो एक पार्ट की हम कॉस्ट निकालेंगे ना कि उसमें बनने में कितना समय लग रहा है, उसकी क्या कॉस्टिंग आ रही है, तो दूसरा हम ये देखते हैं। तीसरा देखते हैं जो पूरा कैपिटल है उस पर कितना इंटरेस्ट आ रहा है। जो हम पार्ट्स बना रहे हैं उनमें जो भी हमने सेटअप बनाया है तो उसके लिए लोन वगैरह ली होगी, उसके लिए कितना इंटरेस्ट लग रहा है हमारा, पूरा ब्याज वगैरह देखते हैं। फिर स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज दो तरह से होता है, एक तो प्रोडक्ट बनने के बाद वेयरहाउस में जाता है, दूसरा हमारा जो रॉ मटेरियल होता है बाहर से आता है उसका स्टोरेज होता है। फिर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ सेल और पार्ट्स, हम जब बेचेंगे भी तो उस पर भी तो खर्चा होगा, ऐसा तो नहीं कि नॉर्मल हम ऐसे ही बिक जाता, सेलिंग पे बहुत ज्यादा खर्च होता है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो चाहे वो बाहर हमें भेजना हो, भाई जगह जगह उसको भेजना पड़ेगा, उसका भी खर्चा आता कंपनी का, तो सारी कॉस्ट शामिल रहती है। अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें। इसको शॉर्ट में बोलते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, EBQ। ये होता फॉर्मूला, इक्वल रूट के अंदर होता है 2US/C। ये फॉर्मूला 2US/C, उम्मीद है फॉर्मूला आपने सुना होगा। EBQ मतलब हम जानते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हो गया, जो यहाँ पर U लिखा ना, ये U लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस इन अ ईयर। एक ईयर में हम कितनी यूनिट्स, मतलब कितने बार प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक ईयर में कितने बार प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस इन अ ईयर। फिर सेटअप कॉस्ट पर बैच, एस क्या होता है, सेटअप कॉस्ट पर बैच, मतलब एक बैच में कितनी सेटअप कॉस्ट आ रही है, मतलब एक बार अगर 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो सेटअप कॉस्ट है मशीन की है, टूल्स की है, लेबर की है, ये सब की कितनी कॉस्ट आ रही है, और हर बार निकालना है मुझे। इसके बाद आती है हमारी, यहाँ पर US तो हो गया, C बचा हुआ, क्या सी बचा, सी में पहले बता चुका हूँ कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस है ना, याद रखें पर यूनिट, मतलब एक यूनिट के लिए निकालना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस। ये सब कुछ लिखा आपको कहाँ पर मिल जाएगा, PDF के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश में, तो आप यहाँ पर जो समझाया मैंने समझ में आ गया होगा, वहाँ पर पढ़ लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। और जिसके पास PDF नहीं है वो हमसे कॉन्टैक्ट जरूर करें, और या फिर मैंने एक वीडियो बना दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में दिया है, उसको आप देख लें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई कि कैसे हमें एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कैसे उस कोर्स पर पहुँचना है, कैसे उसको अनलॉक करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।